बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का GTM on fire पे। और आज के दिन my boys हम वापस आ चुके हैं एक बेहतरीन एपिसोड के साथ, स्पेस मिशन पार्ट 4, जिसमें मोदी जी होंगे, कॉकरोचेस होंगे, ऑगी एंड जैक होंगे, एंड एट द एंड हमारा एक सुपर विलन जनरल डी रिवेलो भी होगा। तो मेरे दोस्तों, चिप्स का पैकेट या पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज के दिन आने वाला है मजा। बट बिफोर दैट, अगर आप चाहते हो कि ऐसे एपिसोड्स और आते रहें, और आप चाहते हो कि आप मेरी हेल्प करना इन एपिसोड्स को और अच्छा बनाने में, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे एक स्टोरी लाइन लिख के दे सकते हो, या फिर अपनी राय दे सकते हो कि स्टोरीज कैसी होनी चाहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप जाइए वहां पर। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा सा सजेस्ट कर सकते हैं कि स्टोरी में कुछ अच्छा करने के लिए, कि और भी अच्छी अगर हम स्टोरी बना सकते हैं, तो मुझे बताइए, मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे मुझे। अगर मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं उसको फर्दर अपनी स्टोरी में भी डालूंगा, साथ के साथ उसकी आईडी में हाईलाइट भी करूंगा। नाउ चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। बट उससे पहले, ऐसा है जब भी मैं लाइक्स मांगता हूँ तो आप वो टारगेट पूरा कर ही देते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन 3500 लाइक्स का टारगेट मांगा जाए। तो देखते हैं कि आप सभी ये टारगेट मिलके कर सकते हैं कि नहीं। ऑल्सो अगर आप नहीं है, और अगर आपको हमारे एपिसोड देखने में मजा आता है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि कोई भी वीडियो आप लोग इन फ्यूचर मिस आउट ना करें। बाय द वे, अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे तो मेक श्योर आप जाएं देखें, मैंने कार्ड में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से सारे 3 पार्ट्स देख सकते हैं। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पायलट कहाँ रह गए? बॉस, अभी अभी खबर आई है कि वो आ ही रहे हैं, रास्ते में पहुंच गए हैं। तो उन्होंने अपने जनरल को यहाँ पर वेट करने के लिए बुलाया है क्या? आने दो उसको, अभी उसकी खबर लेता हूँ। पीटर, तुम्हें इतना टाइम कहां लग गया? सर, दुश्मन के जहाज तबाह कर रहे थे सर। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमें यहां पर हमला करना है पूरे सिटी में। वहां पर तो इनोसेंट लोग हैं सर। ये तुम्हारे जनरल के ऑर्डर्स हैं। अगर हमें इन एलियंस को भगाना है तो हमें ये हमला करना ही होगा सर। बट इसमें काफी इनोसेंट लोग मारे जाएंगे और हमारी कंट्री को पूरा नुकसान भी होगा सर। जैसा मैं कह रहा हूँ वही करो, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा सर। ओके सर, लगता है जनरल डीरी वाला सभी को तबाह कर देना चाहता है, पहले सिटी, फिर एलियंस, और साथ के साथ अपने भी बंदे। ये क्या होने वाला है? तो चलिए चलते हैं जैक एंड ऑगी के पास और देखते हैं कि एलियंस की शिप गिराने के बाद उनका अगला स्टेप क्या होता है। देखो मोना, कैसे हमने इनको मजा चिखाया। सही बोला भैया, जो भी हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका यही प्रश्न होगा। चला मोना, जाके इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने हमला क्यों किया। लेट्स गो भैया। का पर्दाफाश करते हैं, मैं आपके पीछे ही हूँ। ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? इनको इंग्लिश हिंदी आती भी है कि नहीं? अच्छा है, वो तो बात करके ही पता चलेगा। जा जैक, जाके बात कर। अभी जाता हूँ। आए एलियंस, अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। जैक एंड ऑगी से पड़ा था, पिल्ला गैंग से। एक बात ध्यान से सुन लो। तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि मेरा गला खराब हो गया। आए मुन्ना,
तू बोल। ओके भैया मैं बोलता हूँ। तुमने हमारी जमीन पे हमला करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो अपने प्लेनेट पे वापस। हमने हमला नहीं किया था, हमला करवाया गया था पीछे से। हम तो बात करने आए थे, पर पीछे से तुम्हारे जनरल ने हमला कर दिया, जिससे तुम्हें लगा कि वो हमला हमने किया है, बल्कि वो हमला हमने नहीं, तुम्हारे ही मिलिट्री के जनरल डी रिवेलो ने किया था। आए जनरल डी रिवेलो, उसने हमला किया? ए भैया, जनरल डी रिवेलो तो वही है जो बिच्छू गैंग की हेल्प कर रहा था। हाँ आए वो ना, ये बात तो तूने सही कही। तो एलियंस को इनके बारे में कैसे पता चला? आज से 1000 साल पहले मेरे प्रिय मित्र, इनको मैं समझाता हूँ। जैक एनोकी, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, परंतु जैक एनोकी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जिस प्रकार तुम्हारा ग्रह है उसी प्रकार हमारा भी ग्रह हुआ करता था। आज से 1000 साल पहले हम भी शांति से उस ग्रह में रहा करते थे, पर जैसे कहते हैं जहाँ पर अच्छाई बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर कुछ लोगों की बुरी नीयत भी होती है, तो उसी प्रकार हमारे ग्रह पर कुछ बुरे लोगों ने उस ग्रह पे कब्जा करने की कोशिश की, और आखिर में हमारे ग्रह पर बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना बड़ा था कि हमारा ग्रह तबाह हो गया और हमारी प्रजाति पूरे ब्रह्मांड में बिखर गई। हम इस ग्रह पे शांतिपूर्वक रहने के लिए आए थे, समझौते के लिए आए थे, पर जैसे कहते हैं कि कुछ अच्छे लोग होते हैं तो हम अच्छे लोगों की तलाश में आए थे, पर हमारा सामना बुरे लोगों के साथ हो गया। मैं अपनी प्रजाति का मुख्य तुम्हारी प्रजाति से सहायता मांगता हूँ कि हम यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। हम तुम्हारे साथ अपनी टेक्नोलॉजी बांटना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि वो गलत हाथ में ना लगे। आज से तकरीबन 3 महीने पहले जब हम जनरल डी रिवेलो से मिले थे तो हमने उनसे यही बात कही थी और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था, परंतु उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी हमारे ही खिलाफ यूज करना शुरू कर दी। आह, तो क्या हुआ था उस दिन, मुझे बताओ अभी, मैं सुनना चाहूंगा। दोस्तों, अगर हमें धरती पर शांति से रहना है तो इनके साथ समझौता करना ही होगा, तो हम तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेके आए हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी तुम सभी के साथ बांटना चाहते हैं। जनरल डी रिवेलो बहुत खुश हुआ। तुम जो आए इस धरती पे, यहाँ पे आके तो बात ही बन गई। और इसी प्रकार जनरल डी रिवेलो एंड एलियंस की टोली सारे मिलके खुशी मनाने लग पड़े। उन्होंने अपने हथियार और टेक्नोलॉजी जनरल डी रिवेलो को सौंप दी, ये सोच में कि वो यहाँ पर उनको रहने के लिए जगह देंगे, पर इनका तो कुछ और ही ख्याल था। सर ऑर्डर दीजिए, हम अटैक करने के लिए तैयार हैं सर, अभी के अभी। और इसी प्रकार जनरल डी रिवेलो और उसकी आर्मी ने हम एलियंस पे हमला कर दिया। हम अपनी जान बचाने के लिए भागने लग पड़े। ये हमला इतना सडन था कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमांडर, इन वेपन्स को तो देखो कितने एडवांस लग रहे हैं। ऐसा करो, ये सारे वेपन्स और टेक्नोलॉजी गाड़ी में रखो और रिसर्च के लिए ले जाओ, और अब इस धरती पे राज करने के लिए रेडी हो जाओ। हमें नहीं पता था कि जनरल डी रिवेलो ने इतना बड़ा धोखा दिया है और वो पूरी धरती में कब्जा करना चाहता है। अगर इस धरती को हमें बचाना है तो हमें जनरल डी रिवेलो को पकड़ना ही होगा। जैक एनोकी हमारे साथ ही आ गए हैं, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है जैक एनोकी, पर हम तुम दोनों से जल्द ही मिलेंगे। हम तैयारी करते हैं हम जनरल डी रिवेलो से लड़ने की। हाँ अच्छा है। और इसी प्रकार जैक एनोकी चलती है। रुको जरा, ये किसकी कॉल आई? हाँ अभी देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मेरी आवाज नहीं पहचाने अभी तक। जनरल डी रिवेलो बोल रहा है। हाँ तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जनरल डी रिवेलो, हाँ मुझे सब पता चल गया है। हाँ कि हमला कराने के पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। हाँ मुझे ये भी पता चल गया है कि हमला एलियंस ने नहीं बल्कि तुमने करवाया था। हाँ तुम बहुत नादान। तुझको इसने फोन काट दिया। भैया जनरल डी रिवेलो का कॉल था। आए मुन्ना, मुझे सब पता चल गया, मोदी जी को कॉल करना पड़ेगा फटाफट। भैया सही कहा आपने, मैं अभी फोन लगाता हूँ। ये लगाया मैंने नंबर। मोदी जी फोन उठाओ फटाफट। आए क्या हुआ मुन्ना? भैया मोदी जी फोन नहीं उठा रहे अभी तक। आए मुन्ना फोन रख, फटाफट चलते हैं मोदी जी के पास। ठीक है भैया। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा है। और इसी प्रकार जैक एनोकी चलती है सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास। तो यहाँ पर बिल्ला गैंग जंग की तैयारी कर रही है, पर दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी पिकनिक पे आई हुई है। चलिए चल के देखते हैं। ये मामू लोग, मैं बटर चिकन खाएगा। मैं हॉट डॉग खाएगा। ये जनता बौखला गया रे बाबा, तुम दोनों बात सुन लो मेरी।
आज ट्यूसडे है, आज कोई भी नॉन वेज नहीं खाएगा, तो अपना अपना वेज ऑर्डर करो और चलते बनाओ। ये मामू लोग, मेरे को तो पता ही नहीं सीखा कि आज ट्यूसडे है। ऐ, फिर तो वेज ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ये चिमटा लेके खड़े हुए वाले मामू, ऐसा कर तू 3 बर्गर लगा। अभी लगाता हूँ साहब। और तुम दोनों ऐसा करो, फटाफट आके गाड़ी में बैठो, अपने पास टाइम कम है, अपना ट्रेजर हंट पे जाना है फटाफट। ये मामू मैं आ गया। ऐ, मैं भी आ गया, चलो बैठो फटाफट। चंता पार्टी पेट तो भर गया, अब चलते हैं। ऐ, लेट्स गो। आइला, अब जाना गए या भूख लागे आई, अपने को ट्रेजर हंट करने जाना है, तो फटाफट लेफ्ट ले और चलता बन। ये मामू लोग, बड़े दिनों से जैगरनॉग ही नहीं दिखे, आखिर चक्कर क्या है? अरे मामू ब्रेक लगा, आगे ट्रेन आ रही है। ओहो, ये ट्रेन को भी अभी आना था, मेरा बस चले तो ये ट्रेन ही उड़ा दूं, पर क्या करूं, ये ट्रेन नहीं ऐसी चीज है कि जो उड़ती नहीं है। चल भाई गाड़ी निकाल। ए, चला रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा था? अरे आप उन लोग कह रहे थे कि बड़े दिनों से जैगरनॉग ही नहीं दिखे। ए, सही कहा, पता नहीं कहां गायब है, तब तक पेट्रोल डलवा लेता हूं मैं। ये मामू आगे देख, बिल्ला गैंग जा रही है। ये बौखला गया है, तेरे को कहां पर बिल्ला गैंग दिख गई होए? ये मामू आगे देख, आगे वो देख सामने, ये तो सही बोल रहा है रे बाबा, ये तो सच में बिल्ला गैंग जा रही है। और ये पैदल क्या कर रही है? लगता है इनके पास गाड़ी नहीं है। ए, क्या इनको हम लिफ्ट दे दें? बौखला गया आई, वो हमारे दुश्मन है, उनको कहे को हम लिफ्ट देंगे। अइला, आगे चल के देखते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ए, लेट्स गो। ओहो, देखो तो सही, ये बिल्ला गैंग तुम यहाँ पर क्या करती? ए, कॉकरोच पार्टी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हमारा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉकरोच पार्टी, धरती पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। हेलो मामू लोग, ऐसा कौन सा संकट आ गया है? एलियंस ने धरती पे हमला कर दिया है, हमें मोदी जी के पास फटाफट पहुँचना है। यह तो सच्ची में बौखला गया ना बाबा। एलियंस, वो भी धरती पे हमला। मैं नहीं मानता। तुम ना मानो पर हमें जल्दी से जल्दी मोदी जी के पास पहुंचना है। तुम हमें लेके जा सकते हो कि नहीं? बैठो फटाफट, हम लेके चलते हैं तुम्हें। ये टपलू तू पागल हो गया, अपने पास टाइम नहीं है, और हम इनको बिठाएंगे कतई नहीं। आइला मामू लोग, टेंशन लेने का नहीं, अपन लोग देंगे, चल के देखते हैं मोदी जी से ये क्या बात करती है, क्या पता अपने को कुछ सोना चांदी हाथ लग जाए, मजा आ जाएगा। रे बाबा, ये दोनों मिलके हमेशा फंसवाते हैं। चलो, थैंक यू कॉकरोच, चल मुन्ना गाड़ी में बैठते हैं, आजा। ओके भैया। मुन्ना बैठ गया? भैया अच्छे से बैठ गया हूँ। ऐसा कर, सीट को पकड़ ले अच्छे से, गिरना मत। भैया ठीक है। तो कॉकरोच पार्टी, चलो चलते हैं, सब रेडी हो क्या? रे बाबा तू स्पीड कस, हम तैयार बैठे हैं। तो लो फिर, अल्लाह मार दिया। अरे टपलू तूने तो बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाई, अच्छा है। और इसी प्रकार ऑगी जैक एंड कॉकरोचेस निकल दिए सिटी की तरफ, किससे मिलने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलने। पर उन्हें क्या पता था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कोई और ही मिलने आया हुआ है। एलियंस, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मोदी जी, हम यहाँ पर समझौता करने आए हैं, धरती पे हमला हमने नहीं किया था, पर आप ही की मिलिट्री के एक जनरल, जनरल डी रिवेलो ने हम पे हमला करवाया था। हम तो यहाँ पर समझौते के लिए आए थे, पर जनरल डी रिवेलो ने हमारी ही टेक्नोलॉजी चोरी करके हम पे ही हमला कर दिया। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो इस चीज में, वरना धरती का भी वही हाल होगा जो हमारे प्लैनेट का हुआ था। मित्रों, तुम्हारे प्लैनेट का क्या हाल हुआ था? एक बहुत बड़े युद्ध में हमारा प्लैनेट बर्बाद हो गया था, और हम नहीं चाहते कि अगर यहाँ पर वो युद्ध हो गया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। तभी मैं सोचूं कि जनरल डी रिवेलो ने बिच्छू गैंग का साथ क्यों दिया, क्यों उसने इंस्पेक्टर लाजवाब को पकड़ाया। तो यानी इसके पीछे जनरल डी रिवेलो का ही हाथ था, तभी वो हमला करने की तैयारी में है। हमें अभी के अभी अपनी फौज तैयार करनी होगी। मोदी जी, अब जो जनरल डी रिवेलो के पास हथियार है वो बहुत ही खतरनाक है, इससे वो पूरी धरती को तबाह कर सकता है, तो हमें आपको यहाँ से लेके जाना ही होगा कहीं सेफ। आपके जितने भी सिक्योरिटी हैं वो हमने अभी बेहोश कर दी है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हम पे हमला कर देते बिना हमारी बात सुने। तो मित्रों, ऐसा करो, इनको जगाओ और हम सब एक साथ चलेंगे। ठीक है मोदी जी। और इसी प्रकार बिल्ला गैंग एंड कॉकरोच गैंग पहुंच गई मोदी जी के मेंशन के बाहर, और ये वो जाती हुई अंदर, हट जाओ परे। और ये पहुंच गई बिल्ला पार्टी और कॉकरोच गैंग। मुन्ना चल गाड़ी से उतर, मिलते हैं मोदी जी से। हाँ जी भैया। कॉकरोच पार्टी, तुम भी आ जाओ, तुमने हमारी हेल्प की है, साथ में चलते हैं मोदी जी से मिलने। बिल्ला पार्टी अभी आती है। रब्बा वाह, तुम तो मरवा के ही रहोगे,
गारंटीड है। चेक नौकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मोदी जी से मिलने आए हैं। चेक नौकी, मोदी जी तो अभी अभी एलियंस के साथ निकल गए, उनकी लोकेशन मैं आपको दे देता हूँ, जल्दी जाइए, जनरल डी रिवेलो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। हम वही तो बात करने आए थे मोदी जी से। तुम ऐसा करो, हमें लोकेशन दो, हम अभी जाते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, क्योंकि हमें भी जनरल डी रिवेलो के बारे में उनसे बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी लोकेशन देता हूँ। वो एक मिलिट्री बेस में गए हैं, पूरी आर्मी फोर्स को तैयार कर रहे हैं, साथ में हमारी बात एलियंस से भी हुई है, वो हमारी इसमें हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह मामूलू, ये तो सच कह रही है, एलियंस लोग यदि सच में होते हैं। चल मुन्ना, हमें फटाफट मोदी जी के पास पहुंचना होगा और उनको बताना होगा कि जनरल डी रिवेलो उन्हीं पे हमला करने के लिए आ रहा है, हमें मोदी जी को बचाना होगा। चलो भैया, हाँ चलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ट्रेजर गया भाड़ में, रेडी हो जाओ, मोदी जी को बचाने जाना है। अच्छा है, अगर आज बॉब यहाँ होता तो कॉकरोच एंड बिल्ला गैंग को साथ दे के बहुत खुश होता। अच्छा है, तो चलिए चलते हैं, चलो जल्दी जाओ और फटाफट मोदी जी से मिलो। ऑलराइट गाइस, तो आज का जो एपिसोड है हम यहीं पर खत्म करते हैं, पर नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या ऑगी जैक एंड कॉकरोचेस मोदी जी के पास टाइम पे पहुंच पाएंगे, क्या जनरल डी रिवेलो कहीं मोदी जी पे अटैक तो नहीं कर देंगे, और हम देखेंगे कि कैसा अपना नेक्स्ट एपिसोड यानी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड में हम जनरल डी रिवेलो को कैसे हराते हैं। तो यस, अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया तो लाइक जरूर करना, आज का टारगेट हमारा 3500 लाइक्स का था, एंड आई होपफुली थिंक कि आप सभी मिलके ये टारगेट अचीव कर दोगे। ऑल्सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो इन फ्यूचर आप लोग मिस आउट ना करें। तो चलिए चलते हैं, आज के दिन बस इतना ही, आपका जीजीएम मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।